Students, now we shall discuss a very important topic, refraction through a rectangular glass slab. Rectangular glass slab ke through refraction hum study karna ek acha topic hai. Let us see. Let us assume a rectangular glass slab PQRS. Ek rectangular glass slab hai jiska thickness maine mana hai T. Yani the thickness of glass slab is T. I have drawn two normal N1 and N2. ये मैंने दो normal खींचे हैं. Incident light AB is made incident at point B. Point B पर incident हुई. अगर यहाँ पर medium change नहीं हुआ होता, बाहर air है, अंदर glass है, फिर बाहर air में निकल रहा है, यानी this glass slab is placed in air. तो अगर यहाँ पर glass slab नहीं हुआ होता, medium change नहीं हुआ होता, तो दिस इंसिडेंट रे ए बी वुड गो एज ए बी ई एफ. ये इस तरह से सीधी निकल जाती. बट सिंस द मीडियम इज चेंज्ड एट पॉइंट बी, सो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड एट एनी एंगल आर इट कम्स अक्रॉस द ग्लास मीडियम. व्हेन इट कम्स ऑन एज आर एस, जब इसके फेस आर एस पर आती है, अगेन एट पॉइंट सी मीडियम चेंजेस. नाउ लाइट इज गेटिंग अवे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी ग्लास से एयर में आ रहा है. सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मेकिंग एन एंगल ई विद द नॉर्मल. तो दिस इज द डायग्राम. वंस अगेन, लाइट ए बी इज मेड इंसिडेंट एट बी रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. लाइट एंटर्स रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, मेकिंग एन एंगल आर. क्योंकि यहां पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, सो बोथ द नॉर्मल विल बी पैरेलल टू ईच अदर. दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे एंड रे बीसी मेक्स सिमिलर एंगल विद बोथ द नॉर्मल. अगर ये ग्लास स्लैब नॉन पैरेलल होता, ये रेक्टेंगुलर ना होता, तो इसको मैं एंगल आर वन और इसको एंगल आर टू लेता और अकॉर्डिंगली फिर मैं उसकी शेप के हिसाब से इसको कैलकुलेट करता. बट सिंस आई हैव रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो यहां आर वन आर टू ना लिख के मैंने सीधे आर आर लिखा है. ये जब पॉइंट सी पर पहुंचती है फेस आर एस पर, तो एक बार फिर मीडियम चेंज होता है और लाइट डेंसर से रेयर में जाती है. और पता है डेंसर से रेयर में जाने पर लाइट नॉर्मल से दूर हटती है. तो दिस रे सीडी इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब एक बार समझ लेते हैं यहां पर क्या चीज है. दोनों सीडी और एबी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने खींचा, दैट आई कॉल डी. फॉर्म फिगर, अगर मैं फिगर से देखता हूं, एन1 एन2 मेरे पास दो नॉर्मल है. एबी को मैंने कहा इंसिडेंट रे, बीसी इज द रिफ्रेक्टेड रे दैट इज गोइंग इन द ग्लास. सीडी, सीडी इज ऑल्दो ए रिफ्रेक्टेड रे, बट सिंस इट इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लास, इट इज इमर्जिंग ऑफ द ग्लास, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे. तो ये रिफ्रेक्टेड रे ही है, लेकिन ये इमर्जेंट रे कही जाती है क्योंकि ये मीडियम से बाहर निकल के आई है. आई को मैं कहता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मेरे पास है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इस फेस पर, और यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्विवेलेंट होगा. लेट अस सी इन द नेक्स्ट पार्ट. तो यहां पर ये आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है, बट यहां पर इसको मैंने एज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है. एंगल ई को मैंने कहा एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंगल ऑफ इमर्जेंस के साथ साथ मैंने एक और एंगल बनाया, ये वो एंगल है जिस पर रे अपने रास्ते से भटक गई थी, दैट आई एम कॉलिंग डेल्टा. हालांकि इसकी यहां जरूरत नहीं है, बस फिर भी मैंने दिखाया. डेल्टा को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी जितना इसने अपने रास्ते से एंगल बनाया मेन ओरिजिनल रास्ते से, दैट वी कॉल एंगल ऑफ डेविएशन. टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, और डी को मैंने कहा लेटरल डेविएशन. लेटरल डेविएशन को हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे. तो अब हम सबसे पहले इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्योंकि याद रखें जब जब रिफ्रेक्शन होगा तब तब हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रेक्शन की ट्रू स्टडी स्नेल्स लॉ की स्टडी ही है. तो मैंने देख लिया फेस पी क्यू पर जब लाइट आती है तो रिफ्रेक्शन होता है, बेंडिंग हुई. दूसरा रिफ्रेक्शन मुझे दिखा जब लाइट फेस आर एस पर आई थी, तो फिर रिफ्रेक्शन है फेस पी क्यू. अगर फेस पी क्यू पर रिफ्रेक्शन हुआ तो स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाएगा. स्नेल्स लॉ वॉज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इक्वल टू, आपने बताया था म्यू वन टू. म्यू वन टू यानी पहला मीडियम, जिस मीडियम को छोड़ गया ये वो है एयर, और जिस मीडियम में आ रही वो है ग्लास. तो मैं लिखूंगा म्यू
GA refractive index of glass with respect to air, but हमें पता है mu GA को मैं लिख सकता हूँ mu GA upon mu A, क्योंकि हमें पता था mu 1 2 जब लिखा तो mu 2 by mu 1 हुआ ना, तो this is equation 1. Now let us see the refraction at face RS. RS face पर जो refraction हुआ तो यहां पर angle of incidence R था और angle of refraction E था, तो स्नेल्स में लिखा जाएगा साइन आर अपॉन साइन ई, और इस बार जो एंट्रिंग मीडियम है वो एयर है और जिस मीडियम को छोड़ के आई वो ग्लास है, तो आई विल राइट म्यू ए जी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और इसका मतलब जो बाद में लिखा उसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो पहले लिखा डिवाइडेड बाय उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू जी. इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ऑन मल्टीप्लाई साइन आई बाई साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए मल्टीप्लाइड बाई म्यू ए अपॉन म्यू जी, ये आपस में कट के वन हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कटेगा, मेरे पास रहेगा साइन आई अपॉन साइन ई और ये इक्वल वन के इक्वल आया. ये इस बात को इंडिकेट करता है कि साइन आई इक्वल टू साइन ई, और अगर मैं दोनों को एंटी साइन कर दूं यानी साइन हटा दूं दोनों के ऊपर से तो आई इक्वल टू ई. याद रखिए ऑप्टिक्स में एंगल के पहले आप एंगल आई लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, यानी ऑप्टिक्स में एंगल के सामने एंगल साइन लिखने की कोई फाउंडेशन नहीं है, तो सिंपली यू कैन राइट आई एंड ई और यू कैन राइट एंगल आई और एंगल ई, ये दोनों चॉइस आपकी है, आप कैसे लिखते हैं इससे कोई फाउंडेशन नहीं है. तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो फिर सीडी और एडी भी पैरेलल होंगे, यानी मैं कहूंगा इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे या इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल जाती है अगर रिफ्लेक्शन होता है ग्लास लेंस, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. क्वेश्चन आता है प्रूव दैट इन ए ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे गोज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, तो ये यहीं से प्रूव होता है. Now we see lateral deviation. Lateral deviation is the perpendicular distance between the AB ear, यानी incident ray, and the CD, emergent ray. मैं इसको यहां भी दिखा सकता हूं, ये भी lateral deviation ही होगा D. तो मैं दोनों को कहीं से भी दिखा सकता हूं, हर पॉइंट पर ये वैल्यू बराबर रहेगी क्योंकि बोथ द रेज आर पैरेलल. तो जितना D आए उतना ही आ रहेगा, उतना ही आ रहेगा, उतना ही आगे रहेगा. तो व्हाट इज लेटरल डेविएशन? लेटरल डेविएशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे. हाउ टू कैलकुलेट लेटरल डेविएशन? लेटरल डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? लेट अस सी, यही फिगर हमारे पास काम में आएगी कैलकुलेशन के लिए. हम सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल बीसीई. इन ट्राइंगल बीसीई, ट्राइंगल बीसीई में अगर मैं यहां पर ये जो डेल्टा है मेरे पास आई माइनस आर के इक्वल होता है, यानी साइन डेल्टा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी सीई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी बीसी. बट मुझे पता है डेल्टा इक्वल टू कितना था मेरे पास, आई माइनस आर, तो आई कैन से सीई इक्वल टू हो जाएगा बीसी साइन आई माइनस आर. और BC कितना है मेरे पास मुझे पता नहीं है, ये मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड बना ली इसमें. यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन में पहले जो इक्वेशन हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, CE इज नथिंग बट इट इज द D. मुझे पता है CE कितना है मेरे पास, यहां पर D है, तो आई कैन से D इक्वल टू BC साइन I माइनस R. ये इक्वेशन नंबर थर्ड में इसको लिख रहा हूं. अब मेरा कैलकुलेशन है मुझे इस बीसी को फाइंड करना है, ये बीसी कितना है मुझे पता नहीं है, मुझे पता है थिकनेस का. तो अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल मेरे पास है बीसीजी, अगर इस ट्राइंगल बीसीजी को मैं देखूं तो ट्राइंगल बीसीजी में मुझे पता है कोस ऑफ आर यानी कोस आर इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी मैं कह सकता हूं बीजी अपॉन बीसी, और यहां से मुझे BC मिल जाएगा कितना, BC अपॉन cos R. बट अगर आप देखें तो BG कितना है हमारे पास यहां पर, T. B से G तक का जो डिस्टेंस है वो थिकनेस यानी T के बराबर, तो आई कैन से BC इक्वल टू T अपॉन
cos r, इक्वेशन नंबर फोर। अब अगर BC की वैल्यू में इक्वेशन फोर से थर्ड में रख दूं तो D becomes equal to, D किसके इक्वल आएगा, ये आएगा T upon cos r और sin i minus r। यहां तक ये कैलकुलेशन मैंने कर लिया सिंपल लेटरल डेविएशन का। यहां से आगे स्पेसिफिक कैलकुलेशन है, अगर आप दो नंबर का क्वेश्चन है तो यहीं तक आप आंसर छोड़ दें, बट अगर इसके आगे जाना है तो सी कैसे करना है। यहां से मुझे पता है डी इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन कोस आर, और साइन आई माइनस आर को मैं साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड करूंगा, इट कैन बी रिटन एज साइन आई कोस आर माइनस कोस आई साइन आर, और यहां से डी कैन बी रिटन एज T as it is, जब इस cos r को मैं अंदर ले जाऊंगा तो यहां पर आएगा sin i minus cos i और sin r upon cos r। यहां तक ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब मुझे करना क्या है, यहां से sin i को मैं पहले इसको देखता हूं, sin i और sin r को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, cos r को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। मुझे पता है वी नो म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू इक्वल टू होता है क्योंकि एक मीडियम मेरा एयर है और दूसरा ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर आएगा, और यहां से मैं कह सकता हूं साइन आर इक्वल टू क्या, साइन आई अपॉन म्यू, यानी साइन आर की जगह मैं साइन आई अपॉन म्यू लिख सकता हूं। मुझे एक और चीज बताए, साइन स्क्वायर आर प्लस कोस स्क्वायर आर इज इक्वल टू वन, यानी आई कैन से कोस आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर, ये भी आप कह सकते हैं। तो अगर ये सारी वैल्यूज में ऊपर इक्वेशन नंबर फाइव में रख दू तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा टी साइन आई एज इट इज माइनस कोस आई एज इट इज, साइन आर की जगह मैं रख सकता हूं साइन आई अपॉन म्यू, और कोस आर की जगह रख सकता हूं अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर की जगह, यानी साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। साइन आई को मैं यहां से कॉमन निकाल सकता हूं तो डी बिकम्स इक्वल टू टी साइन आई वन माइनस कोस आई एज इट इज, ये म्यू स्क्वायर को मैं यहां से कैंसिल करके लिख सकता हूं म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, यही आता है मेरे पास लेटरल डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द थिकनेस ऑफ ग्लास लेयर एज वेल एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, यानी म्यू जी। यहां पर मैंने इसको लिख लिया है। अभी मैक्सिमम कितना होगा, डी इक्वल टू डी मैक्स इफ आई साइन आई इक्वल टू मैक्स साइन आई इक्वल टू प्लस वन, और इसका मतलब I इक्वल टू 90 डिग्री, इसको मैं कहता हूं ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसका मतलब अगर मैं I की जगह 90 डिग्री रखता हूं तो व्हाट कम्स, D इक्वल्स टू मैं D max लिखूंगा, T एज इट इज साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू आएगी 0, यानी आई कैन से डी मैक्स इक्वल टू टी। यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है, एक क्वेश्चन निकल के आता है, प्रूव दैट द मैक्सिमम लेटरल डेविएशन इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैन नॉट एक्सीड इट्स थिकनेस। नाउ एट लास्ट द फैक्टर्स अपॉन विच लेटरल डेविएशन डिपेंड, किन फैक्टर्स पे लेटरल डेविएशन डिपेंड करता है, वी हैव सीन द फॉर्मूला दैट
d इक्वल टू t साइन i 1 माइनस cos i डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i. तो दीज आर द फैक्टर एट विच lateral deviation depend. The first factor is the thickness of slab. More being the thickness, more will be the lateral deviation. Second factor is angle of incidence. It depends upon the angle of incidence. Larger the angle of incidence, more will be the lateral deviation, or vice versa. Lateral deviation becomes maximum when light comes at grazing incidence, means angle of incidence becomes 90 degree. So maximum deviation is equal to the thickness of slab itself. It cannot exceed the thickness, and that too at the grazing incidence. The third factor that decides the lateral deviation is the refractive index of the glass slab. Or this refractive index is the relative refractive index. If glass is placed in air, you will simply write mu here. But if glass is lying in some non-air medium, then you have to write mu g and that medium. तो या उस मीडियम के रेस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो दिस विल बी समवॉट लाइक म्यू एम जी, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मीडियम. तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.